हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही जारी है, बजट सत्र का आखिरी दिन है। एक बार फिर से आपको विधानसभा लिए चलते हैं। अब हमने ये भी कर दिया कि जो पार्टीज अभी कनेक्शन लगा रही हैं वो कोई साउथ इंडियन की है, उन्हें हमें कहा है कि इसे थोड़े समय में करें, इससे ज़्यादा हम समय नहीं देंगे। हमारे MD और डायरेक्टर ने उन्हें बुला के बुरी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, तो अगर तुमसे नहीं होता तो आगे सबलेक्ट करो, और हम इसे बड़े थोड़े टाइम में सारे कनेक्शन करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं अभी 20,000 कनेक्शन तो अभी हमने कर दिए, 20 अगले करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम ये भी कर रहे हैं जैसे मैंने पहले आपसे बता दिया कि हम अब वो पोर्टल खोलने तक भी नहीं रहेंगे। ये जब हमारे 58,000 कनेक्शन हो जाएं, जो अगले 6-21 तक कर देंगे हम उस छठे महीने तक, इसके बाद हम ये करेंगे कि जो फार्मर अपना लेना चाहे हमारी मोटर्स डीलर पे होंगी, वहाँ जाए अपना खरीदे और अपना सीधा कनेक्शन कर ले। हम तो बड़ा तेज़ी से माननीय मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों को कनेक्शन दिया जाए, ये करने जा रहे हैं। सर 6 साल हो गए सर, नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की तरफ भी देखा जाए, लाखों रुपए खर्च के किसान जो है वो बैठा है, ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, उसने कमरा भी बनाया, उसने बोर भी कराया, उस तरफ भी ध्यान दिया जाए। ठीक, ये जो है ये कोई आज की बात तो है नहीं, पहले से भी है सब चीजें, कभी एक आदमी को एक ही दम तो सब नहीं दी जा सकती। सरकार के लिमिटेड साधन है, पावर है, आपको सारी चीजें देख के उसके बाद अवेलेबिलिटी कनेक्शन की है नहीं, यूं सबके ले जाके खड़े कर दें उसका कोई फायदा नहीं होता। बाकी जो आप ये कह रहे हैं कि खाली पावर इन्हीं कोई किसान को मारा जा रहा है, मैं सारा सदन बैठा है अभी, आपको मेरे ख्याल में पिछले दिनों हुए थे, मैं सब्जेक्ट से हटके बात कह रहा हूँ, हमने पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा बनने के बाद, आफ्टर इंसेप्शन ऑफ हरियाणा के 236 टीमें बन के 1500 कर्मचारी और सारे हरियाणा में साइमल्टेनियसली रेड हुए, सुबह से लेकर रात तक चलते रहे, जिसमें फैक्ट्रीज, जिसमें बड़े मॉल्स, जिसमें बड़े शोरूम और उसके बाद बहुत गेस्ट हाउसेज, जिनका एक इसी महीने का मैं समझता हूँ कि जो हमारा एक असेसमेंट है कि 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बढ़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया, वरुण जी सुन ले, ये आदेश दिया कि गाँव में अगले 2 महीने किसी के भी रेड ना करो, किसी के बिजली के मीटर मत उतारो, ये उनका खड़ा आदेश है, कहीं किसानों को तंग नहीं कर दे रहा, किसानों के हित में ये सरकार कर रही है।